क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर से सर्जरी करवाना चाहेंगे जो कॉम्पिटेंट नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंट है कि वो सर्जरी कर लेंगे? अभी सारा मामला है कॉन्फिडेंस का, और ये बात दो प्रोफेसर को भी सूझी। अब आइडियल केस में होना ही चाहिए कि अगर किसी फील्ड में आपकी कॉम्पिटेंसी कम है तो आपका कॉन्फिडेंस भी कम होना चाहिए, और अगर ज्यादा कॉम्पिटेंसी है तो ज्यादा कॉन्फिडेंस। तो उन दो प्रोफेसर ने कुछ स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके लिया एक टेस्ट। टेस्ट के बाद सभी स्टूडेंट से पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है उनके परफॉर्मेंस के बारे में। उनके आंसर्स थे कुछ ऐसे, और इसके बाद रिवील किए गए उनके एक्चुअल स्कोर्स। अब इस ग्राफ से काफी इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आई। जिन स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर नहीं किया है वो काफी कॉन्फिडेंट थे अपने मार्क्स के लिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया वो कम कॉन्फिडेंट थे अपने मार्क्स के लिए। ये ग्राफ एक्सप्लेन करता है कि कैसे कम एक्सपर्टीज वाले लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं अपनी नॉलेज को, और इस इफेक्ट का नाम है डनिंग क्रूगर इफेक्ट।